हेलो दोस्तों, आज मैं करेला का भुंजिया बनाने बता रही हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और पीता बिल्कुल ही नहीं लगती है। मैं काट रही हूँ, करेला है और मैं काट के इसमें नमक डालूँगी, बहुत सारे, करीब 2-3 चम्मच। अब काट के अब करेला कट चुकी है, इसी तरह धो रही हूँ और धो के रख रही हूँ डालने के लिए, डाल के कम से कम 2 घंटे के लिए और रखूँगी। और मैं नमक डालने के बाद, नमक देखते रहो, कम से कम रखने के बाद 5 चम्मच नमक डालूँगी, ताकि इसके करेला पूरी ही नहीं लगती है, वो निकल जाता बनने के बाद। और मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं बताती हूँ। मैं इसे ढक के तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। ये 5 बड़े साइज का प्याज है, इसे मैं उसी करेले में डालूँगी। ये देखिए मैं काट रही हूँ दोस्तों प्याज, बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ देहाती। इस तो सभी को जानते हैं कि कैसे बनाते हैं करेला भुंजिया। ऐसे मैं काट लूँगी सारे प्याज को। काटने के बाद ये सारे प्याज करेले की भुंजी में ही पड़ेंगे। वैसे तो नमक डाली हूँ। तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, अब मेरे करेले को मैं धो रही हूँ। धोने के बाद 2-3 पानी से मैं धो लूँगी, सारा नमक निकाल लूँगी। इसके बाद ऐसे करके मैं धोऊँगी बढ़िया से, ताकि नमक निकल जाए सारा। और उसके बाद ऐसे इसका थोड़ा पानी निकाल लेना है। निकालने के बाद चलिए 2 पानी से कम धो लेना है। इस तरह से ताकि नमक निकल जाए, ऐसे थोड़ा दबाना है। दबाने के बाद सारे नमक निकल जाएंगे। कढ़ाई है दोस्तों, मैं तेल डाल रही हूँ। मैं तेल डाल दी, थोड़ी सी गर्म हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये मिर्चा है 4 ठो, ये 5 फोरन है, मैं बना के रखी हूँ। कढ़ाई गर्म हो रही है, फुल आँच में मैं कर दी हूँ। करने के बाद गर्म हो गई, तेल हो रही है।
मैं डाल रही हूँ दोस्तों, ये देख मैं मिर्चा भी डाल रही हूँ। मैंने करेले धो के रखी हूँ, नमक निकाल के मैं इसे डाल रही हूँ दोस्तों। आँच कम कर दी है, बिल्कुल तीखा नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ऐसे इस तरह से बनाओ, बिल्कुल ही तीखा नहीं लगेगा। धीमे धीमे आँच पर भुजा रही है। प्याज जो काट के रखी थी वो मैं इसे डाल रही हूँ, ताकि धीरे धीरे प्याज भी उसे एक साथ भुजा जाए। भुजाने के बाद सारा प्याज डाल दूँगी। हल्की से नमक डाल दूंगी। इसे प्याज में डाली थी और तेल में धो दी थी तो नमक तो निकल गई पूरी। और मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, इसमें आधा चम्मच। धीरे धीरे धीमी आँच पर भून लूंगी। मैं ढक दी हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में बीच में चलाती रहूंगी। तो दोस्तों भून लिया, देखिए मेरी गुंजिया तैयार हो गई। करेला गुंजिया लाल भी हो चुके हैं और मैं कटोरे में निकाल लूँगी रोटी साथ या फिर दाल भात सब्जी के साथ आराम से खा सकते हैं। बच्चे भी खाएंगे क्योंकि तीखा नहीं लगती है। इस तरह से बनाना चाहिए। गुंजिया तैयार हो गई है मेरी। सभी लोग खाएंगे। मैं बताऊं, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।